IBPS के एग्जाम में सिस्को सेंटर के कंप्यूटर हुए खराब, सेंटर के बाद अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। आज ग्रामीण बैंक IBPS पीओ की परीक्षा थी, जिसमें जिन बच्चों का लोहागल स्थित सिस्को सेंटर पर सेंटर आया था, उन अभ्यर्थियों ने सिस्को सेंटर के बाहरी सेंटर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि इस एग्जाम में 45 मिनट मिलते हैं, उसमें भी सेंटर की कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहे। किसी का माउस खराब हो रहा है, किसी का कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो 45 मिनट के अंदर ही बार बार कंप्यूटरों को बदला जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों ने आज प्रदर्शन किया। और छात्रों की मांग है कि उनका पेपर फिर से करवाया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आज पेपर है IBPS का पीओ लेवल का, लेकिन यहाँ जो सेंटर आया सिस्को, वहाँ सभी भाइयों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए कौन जवाबदार है? किसी का सिस्टम हैंग हो रहा है, किसी के सिस्टम को 4-4 बार 5-5 बार चेंज करना पड़ रहा है, और किसी का प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जो माउस है वो भी क्लिक नहीं कर रहा है। जब टेक्निकल एक्सपर्ट को बोला जा रहा है तो वो कह रहा है हमारी कोई जवाबदारी नहीं, अगर आपको पेपर देना तो दो वरना यहाँ से बाहर चले जाओ। और जो यहाँ पर IBPS के इन्वेटर अटेंडर आए हुए हैं वो भी हमें संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दे रहे, ना ही वो हमारी किसी कार्रवाई में हमारा साथ दे रहे, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है कि बच्चों के साथ क्या हुआ है। मैं नागौर का रहने वाला हूँ और अजमेर पेपर देने आया हूँ। किस चीज़ का पेपर है ये? IBPS ग्रामीण बैंक का पेपर है और पीओ लेवल का, स्केल ऑफिसर फर्स्ट लेवल का पेपर है। कितने स्टूडेंट है इसमें? ऑल ओवर इंडिया के अंदर पता नहीं कितने बच्चे उन्होंने, और ये सेंटर पे केवल 400 बच्चों का सेंटर है। सबके प्रॉब्लम है, सबके। मेरा नाम भगवती प्रसाद सिखवाल। बताओ, इसमें 45 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट उसमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को आपको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में करना है, और उसमें भी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो वो 4-5 सेकंड का टाइम उसमें जाने में ले लेता है, और बाई चांस आपको बैक करके देखना है कि पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर टिक किया, तो फिर से 4-5 सेकंड का टाइम ले लेता है। तो ऐसे में आप सोचो कि अगर इतना सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और स्टूडेंट का एग्जाम है ना, ये इस पर्टिकुलर सेंटर की अगर प्रॉब्लम है तो इस सेंटर में सभी बच्चों का एग्जाम दोबारा से लेना चाहिए, ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है वो इस तरह से बर्बाद ना हो। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे 5 बार इन्होंने डिफरेंट पीसी पे बैठा है, मतलब जिस भी पीसी पे बैठता हूँ कभी किसी पीसी का कभी कोई पीसी हैंग हो जाता है, कभी कभी किसी में किसी का जो टाइमर होता है उसमें बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो 5 बार सिस्टम चेंज होगा 45 मिनट में, तो आप खुद देख लो कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। कभी किस हाँ ये IBPS RRB पीओ हाँ क्या ये आज IBPS RRB पीओ का पेपर था, प्रोफेशनली ऑफिसर का पेपर था। कहाँ पे देने आया था ये पेपर? सिस्को सेंटर है, इसमें पेपर था। कहाँ पे ये? सिस्को सेंटर अजमेर में कबीर नगर में स्थित है, लोहागढ़ रोड पे ये सेंटर है, और ये सेंटर में पहले भी मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें ये प्रॉब्लम कई बार हो चुकी है, प्रॉब्लम पहले भी इस सेंटर में। सीजियर का एक बार एग्ज़ाम में भी यही प्रॉब्लम हुई थी पहले SSC का। हाँ, कंप्लेंट डेफिनेटली हमने एप्लीकेशन लिख दी है, सबके साइन भी ले लिए हैं, इसमें रोल नंबर मोबाइल नंबर सब नोट कर लिए हैं। तो हाँ, गौरांग माथुर नाम है मेरा, मैं पंशी अजमेर से ही हूँ, बलदेव नगर अजमेर से।